आज आप तीसरे DSP हैं जिसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा हमने इस शहर कराची के अंदर। मेरे नाम लेने? हाँ। मैं चला जाऊंगा, कुरान से हाथ रखूंगा। क्या होगा इस शहर का बताएं? किस कहां जाके दीवार पे माथे में टक्कर मारे, किधर मातम करें जाके, जो लोग कैंसर से मर रहे हैं उनकी मां किसका गिरेबान पकड़े जाके, जवान बेटों की लाशें खानी पड़ रही है उनको इस गुटखे और मावे की वजह से। आपको हमने अल्लाह के वाले की उस शहर नापुरसान में कानून नाम की क्या चीज होगी जहां एक मीडिया टीम एक ही दिन में 3-3 DSPs को रिश्वत लेते हुए बेनकाब कर दे। उस शहर बेअमान में कानून की हुक्मरानी का क्या आलम होगा जहां के कम से कम 3 DSPs हफ्ता और मंथली वसूल करके अपने इलाके में मनशियात, गुटखा और दीगर गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त की खुद इजाजत दे, जहां पुलिस अफसरान जराइम पेशा अफराद की रखेल बन जाएं, जहां कानून दौलतमंदों के पांव की धूल हो, जहां जुर्म अदल और इंसाफ का कत्लेआम कर दे, जहां मुहाफिज लुटेरे बन जाएं, जहां निगहबान खुद डाकू हो, जहां कातिल को पकड़ने वाले ही कातिल के साथी निकले और जहां इंसानी जान की कीमत महज चंद हजार हो। उस शहर में माएं अपने जवान बच्चों के लाशें ना उठाएं तो और क्या करें। टीम सरेआम को मुख्तलिफ मौके पर कराची के 3 DSPs के करप्शन में मुलव्वस होने की खबरें मिली थी और ये खबरें हमें तवातुर के साथ मौसूल हो रही थी। सो हमने सबसे पहले मंगू पीर के DSP जाफर बलोच, फिर स्टील टाउन के DSP मोहम्मद दरेशन और सबसे आखिर में कायदाबाद के DSP गुलाम पवर के खिलाफ करप्शन के सबूतों की तहकीकात का फैसला किया। छोटा मेरा भाई है, हम अपने एक मुखबर के रेफरेंस से सबसे पहले औरंगी टाउन के DSP जाफर बलोच के पास पहुंचे। उसे बताया कि हमें आपके इलाके से स्मगल शुदा ईरानी डीजल की गाड़ियां गुजारनी है और इस सिलसिले में हम आपके साथ मामला तय करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कौन था था, नाइट ड्यूटी वाले जो भी है उनको मैं वो मैं उसे ड्राइवर से पूछूंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो सेटिंग है हमारी। हाँ ठीक है, सही है, उनको मैं थोड़ा इजाज़ करूँगा। मुझे बता दें कि मैं रात को कौन ड्यूटी, कौन सी मोबाइल है, ये पता चल जाएगा। चलो देख लेंगे ना, कर लेंगे ना भाई, हम भाई करेंगे, ठीक है। जिस पर DSP औरंगी टाउन ने फौरन हामी भर ली और अपने दो मातहत SHOs SHO थाना इकबाल मार्केट और SHO थाना पाकिस्तान बाजार को ये हिदायत भी जारी कर दी कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग में हमारे साथ तआवुन किया जाए। रिश्वत लेने के बाद DSP औरंगी टाउन जाफर बलोच ने SHO इकबाल मार्केट अयाज को बुलाकर टीम सरेआम के नुमाइंदे से उसकी भी डील करवाई। सुबह में लग रहा है और बड़ा मुश्किल से काम हो रहा है, एक शाम में एक सुबह में 5-5 हज़ार बढ़ा दूंगा, 5 आपके 5 आपके 5 और साहब बड़े हैं, मेरे हुक्म इनका मेरे सर, मैं आपको मेरे बेटे को 5 बढ़ा दें, इनके नजर
इनका हुक्म में दरबार में आपको नहीं जानना पसंद करूंगा। दो चक्कर आपके सामने, दो चक्कर बोलना, दो ही चक्कर लगाना। SHO थाना पाकिस्तान बाजार मोहम्मद खान को फोन करके DSP ने ताकीद की कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग में रिश्वत लेकर हमारी टीम के साथ वो तआवुन करे। हेलो, आगे ईरानी डीजल तो कम करना है, जिससे तो जानता है कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? इसको लेकर बात करना पड़ेगा। हेलो, अच्छा दोनों SHOs ने एक एक गाड़ी गुजारने के इवज हमसे 20,000 रुपए भी वसूल किए। दिन में ही टर्मिनल से जाएंगे हम लोग, जो इकबाल मार्केट थाने वाला रोड है, ठीक हो गया, एक टाइम आएगा ना जी, ठीक है। तो क्या करेगा, रक्षे का नंबर, रक्षे का नंबर में व्हाट्सएप दर्ज कर, ठीक है। कुछ होता है तो देख, मैं आपको रात को रक्षे का नंबर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप। DSP जाफर बलोच को अपने सीनियर्स की इस कदर खुली हिमायत हासिल थी कि वो रिश्वत लेने के लिए किसी फ्रंट मैन का भी इस्तेमाल नहीं करता था। रिश्वत हजारों में हो या लाखों में, ये DSP रिश्वत के पैसे बराहे रास्त खुद वसूल करता था। टीम सरेआम से भी मुख्तलिफ मौके पर स्मगल्ड शुदा ईरानी डीजल की गाड़ियां गुजारने के इवज DSP जाफर बलोच ने रिश्वत के पैसे खुद ही वसूल किए। मैं आपसे किस फोन से, परसों आओगे ना, परसों में मिला दूंगा ना मैं आपको, फोन कर देना जहाँ खड़े होंगे वहीं आ जाए। ठीक, साहब को मैं रात में पहुँचा दूँगा, हम रात में 5 लाए, मैं साहब को रात को 5। DSP जाफर बलोच की इस बेबाकी और दीदा दिलेरी की वजह हमें बाद में समझ में आई, जब इसके सीनियर DIG ने न सिर्फ इसका भरपूर दिफा किया बल्कि इसे टीम सरेआम की कार्रवाई से बचाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। सिर्फ यही नहीं, ये DSP टीम सरेआम की जानिब से रिश्वत के तमाम वाजे सबूत फराहम किए जाने के बावजूद वापस अपने ओहदे पर बहाल भी हो गया, और ये सब एक ऐसे DIG के होते हुए हुआ जो हमारे नजदीक एक अच्छा अफसर था, और उस DIG का नाम है नासिर आफताब। दूसरे DSP जिनसे मुतल्लिक हमें करप्शन की इत्तलात मिली थी वो स्टील टाउन के DSP नजर मोहम्मद दरिशक थे। टीम सरेआम ने एक मुखबर के तवस्सुत से उनसे राब्ता किया कि गुटखा मावा फरोख्त करने के लिए उनके इलाके में उनकी इजाजत की जरूरत है, जिस पर उन्होंने इनकार तो नहीं किया, अलबत्ता फौरी तौर पर कोई डील भी नहीं की क्योंकि शायद हमारी टीम के साथ जाने वाला शख्स रेफरेंस के तौर पर इतना तगड़ा नहीं था। चाय नहीं बस आए थे तो फिर हमने
डंडा दिया हुआ है। अच्छा भाई को मैंने बताया हफ्ता रेट करो फिर मैं आपसे नहीं हम जो है ना लेकिन एक लाइन बन जाती है ना फिर थोड़ा आप 20 तारीख को भाई से मिल लेना फिर जो सिचुएशन होगी मैं बताऊंगा। नहीं हम ये चाह रहे थे कि वो थोड़ी सी बातचीत हो जाए और उसके बाद जो है ना भले आप जब आप बोलोगे भाई को बताए मीटिंग हो जाए हमारी। अच्छा 10 तारीख को मीटिंग है जो होगा ना मैं भाई को बता दूंगा। वो छोटा मेरा भाई है इंशाल्लाह ओके की रिपोर्ट आएगी या इंशाल्लाह ओके की आएगी। अच्छा बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह 10 के बाद ही ना अल्लाह मालिक आप परेशान ना हो। ठीक है सर फिर मैं इनको गुटके मामले के आपके इन दोनों बंदों को टोकन करवा रहा हूँ 15,000-20,000 रुपए। ठीक है ना देख लीजिएगा फिर पास सुनो मेरे पास ऐसे बंदे हैं तो ऐसे जो पास बंदे नहीं है ठीक है सब सब पता है एक जरदारी सब पे भारी ये तो काम के है ना भाई। अबे अब तो रखो गिनो ठीक है आप भी गिनो अब 8,000 रुपए आपको दे दिए भाई काम के 8,000 रुपए आपको दे दिए काम ठीक है एडवांस। तीसरे डीएसपी कायदाबाद के डीएसपी गुलाम पंवर थे जिनके बारे में टीम सरयाम को करप्शन और बदउनवानी की खबरें मुसलसल मौसूल हो रही थी। डीएसपी गुलाम पंवर के हवाले से एक शिकायत तो एक गुटके मावे का काम करने वाले असल किरदार ने ही की थी कि उसने इलाके में सरयाम गुटका बेचने की डील एसएचओ से तो कर ली थी और उसे मौकल यानी हफ्तावार या मंथली पैसे भी दे दिए थे लेकिन अब डीएसपी और उसके बंदे उसे तंग कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा भी हमें दो। टीम सरयाम के नुमाइंदे इसी गुटके वाले के साथ डीएसपी गुलाम पंवर के पास पहुंचे। डीएसपी से गुटके वाले के नाम पर माजरत तलब की कि उसने सिर्फ एसएचओ को रिश्वत दी है डीएसपी को नहीं। इजाले के तौर पर डीएसपी को माजी की इस डील की रिश्वत दी और आइंदा गुटके और मावे का अपना काम शुरू करने की डील की राह भी हमवार कर ली। अलाउद्दीन के हम 20 दे देते हैं 20 अभी तो इसकी अलाउद्दीन से इस मसले पे जान छुड़ा लो ठीक है और बाकी फिर आगे जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर सेटिंग अगर तो ऐसे जो कितना बार दिया है मेरे को एक रुपया चले अभी हम 20-25 दे के जान छुड़ा लें उसकी ठीक है ना आगे अगर मोक्कल करनी होगी तो मैं आपके पास खुद आऊंगा ठीक है ना। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं वो जो उसने जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया ठीक बाकी आगे जो भी मामला रिकॉर्ड बना रहे थे आज से कल से बात की है सही हाथ मारे थोड़ा कितने हैं 10 हैं 15 हैं 20 हैं देखें गिने अरे गिने ना सर साइंस है पंद्रह ये पांच हो ये हो गए आपके 20 ये अलाउद्दीन के गुटके मामले के हो गए अब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे ठीक है और बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसे ही फाइनल होता है ना मेरा एक दिन में दो दिन में चार दिन में तो मैं आता हूँ आप फिर जो भी आगे की सेटिंग होगी हम करेंगे आपकी तरफ से ठीक है ना करेंगे ना। अगर हम अगर गुटके मावे की भी हम सेटिंग कर लें एसएचओ से दो तो आपकी से भी सेटिंग हो जाएगी ना बस बस आपका नाम भाई देखें आपकी पार्टी ना उठाए नहीं और उसकी पार्टी ना उठाए वो उसको हम सेटिंग करेंगे खत्म है फिर चलेगा हमारा गुटका मावे का काम भी अच्छा ही है ना यार। आपके पास साईं कितने थाने आते हैं वैसे दो थाने कौन कौन से शराफी अभी तो ये गुटके मावे के जो अभी पैसे दिए हैं ना ये तो हमने दिए पिछले जो बंदा पकड़ा गया था लेकिन अब हम आएंगे तो हम एडवांस में आपको पैसे दे देंगे ठीक है ना। टीम सरयाम के नुमाइंदे अगली बार डीएसपी कायदाबाद गुलाम पंवर से मिले तो मौसूफ बाकायदा यूनिफॉर्म में थे। इस बार हमारे नुमाइंदे ने उसके इलाके में गुटके मावे की फरोख्त की इजाजत की डील की और इस डीएसपी ने चंद हजार रुपए के इवज अपना ईमान हमारे नुमाइंदे के हाथों फरोख्त कर दिया। वो काम जिसे रोकने के लिए सरकार इसे तनख्वाह देती है यह रिश्वत लेकर उसी काम को करने की इजाजत दे रहा था। मुझे ये बताएं अभी हम जो है ना हफ्ता 15 दिन में शुरू करने वाले हैं मावा मुझे किसी ने बताया कोई बड़ी यहाँ पे पकड़ा झगड़ी हो रही है आपके भाई हूँ बस मेरी आपको मुक्कल है मुक्कल है मेरी भी मुक्कल आप मुझे बताएं ना कि आपके हिसाब किताब होगा जो बोलिए नहीं।
तुझे माल मांगा था, मैन पूरी है, गुटका है, कुछ सारी चीजें हैं, बेसी बेसी बात है। हाँ पता नहीं कितने के हम शुरू करेंगे, तो हम पूरे महीने के एक साथ आपको दे देंगे, तो आपसे भी हम तरीके से मेरी टीम नहीं आएगी आपके पास। देखिए यही ये बात है ना, जबान ऐसी होती है ना, पूरी मार्केट जो है पीछे हजारा चौक, हफ्ते में एक दफा हमारी गाड़ी आएगी, डेली नहीं है। अब जो तुम करेंगे साफ से, तो मेरी अब इस लेन देन के वाले मामले में आखिरी मुलाकात, अभी मैं टोकिंग साहब को देगा, उसके बाद ये आपसे रास्ते में ये हमारा ये हो गए 20,000 ये आपके पूरे एक हफ्ते। अरे भाई पर ख्याल से करना, आपने हमारे बंदों को उठाया। नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, मेरी टीम नहीं आई वो ऐसे जो उसको तुम बस, मेरी ये टीम है। अब साईं हमारा तो ये हो गया है 20,000 रुपये का काम, ठीक है। अब मैंने आपको 20,000 रुपये दिए, ठीक है। अब मैं पूरे महीने की पेमेंट इस भाई के हवाले कर दूंगा, जिस दिन मैं काम शुरू करूंगा, अभी ये तकरीबन एक हफ्ता लगेगा मुझे काम शुरू करने, जिस ये मेरा उसूल है काम शुरू होने से पहले पैसे। नहीं नहीं भाई हमारे बाद में हफ्ते के बाद देना। मुकम्मल सबूत रिकॉर्ड हो जाने के बाद हम कायदाबाद में डीएसपी गुलाम पंवर के दफ्तर पहुंचे, जहां हमारे नुमाइंदे ने डीएसपी को एक और डील के लालच में इंगेज कर रखा था। हमारे दाखिल होते ही डीएसपी गुलाम पंवर के हाथों के जैसे तोते उड़ गए। हमारे पास अगरचे इस डीएसपी के रिश्वत लेने के वीडियो सबूत थे, फिर भी हम चाहते थे कि इस शख्स को अपनी इज्जत बचाने का एक आखिरी मौका दिया जाए कि ये अपनी गलती को खुद तस्लीम करे। लेकिन इस डीएसपी का साफ इनकार था कि इसने गुटके और मावे की फरोख्त की इजाजत के लिए कोई रिश्वत वसूल नहीं की, यहाँ तक कि इसने कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ उठाने तक का कह दिया कि इसने रिश्वत वसूल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? हुजूर गुलाम परवर, डीएसपी। गुलाम परवर, गुलाम परवर, डीएसपी कहाँ के हैं आप? क्या है ये? कायदाबाद, कायदाबाद के डीएसपी हैं। हाँ। तो डीएसपी का क्या काम होता है? ये गुटका मावा इसको रोकना सर? हाँ हाँ। या रिश्वत लेके गुटका मावा अलाउ? नहीं, नहीं 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 जी, रोकना है, डंडा देना है, बाकायदे उसको पैसे लेके डंडा देना है। नहीं, 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 ये ईमानदारी से है। मोकल लेके? नहीं सर, मेरी मोकल ही नहीं है किसी के, किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं। जो मेरे नाम लेने, हाँ। मैं चला जाऊंगा, मैं इतना किधर चले जाएंगे? चले ये भी इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। अच्छा, इस्तीफा दे के चले जाएंगे? आपको निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं 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 भाई, इज्जत से चले जाएंगे, इज्जत से यूनिफॉर्म उतारेंगे सामने, जनाब मैं इस यूनिफॉर्म का हकदार नहीं हूँ, मैं इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सकता हूँ, है ना। अगर मैं इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सका, अगर मैं गुटके और मावे की मंथली लेता हूँ, अगर मैं गुटके और मावे का हफ्ता लेता हूँ, अगर मेरी मौकली लगी हुई है किसी के साथ, मैं यूनिफॉर्म उतार के इस नौकरी को छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक हो गया? ठीक है, वादा हो गया आपका? वादा, वादा, मर्दों वाला वादा हो गया, कसम से कुरान पे हाथ रखता हूँ। अगर ये साबित हो जाए? साबित हो जाए तो मैं करूँगा, साबित हो जाए तो ये काम करे क्यों इंसान के? इंसान को अपनी नौकरी नहीं, मैं नहीं करता। आप गुलाम बबर साहब इधर मेरी आंखों में देखिए, औलाद है आपकी, हलाल खिलाना चाहते हैं, हराम का लुकमा नहीं जाता आपके? हराम एक रुपया भी ये बच्चों के सामने आए, हराम का एक रुपया? क्यों क्यों? मेरी बात सुन ले, मेरी गुजारिश सुन, ऐसी बात नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन, मैं तो मैंने तो कोई बात नहीं की ना, आपने भी अच्छी बात की है, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं। नहीं नहीं बैठ के नहीं, बस खड़े हो, सादी सी गुजारिश है। गुटका मावा चलता है, इस कौम का मुस्तकबिल बर्बाद होता है अगर चलता है, ऐसा ही है। लोग कैंसर का शिकार होते हैं, मेरा भाई हो गया है, मेरा भाई हो गया है, अस्पतालों में जाते हैं, मेरा भाई रगड़ रगड़ के मरते हैं, ऐसा ही है। ऐसी माँ बाप बहन भाई
बहन भाई औलाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनकी आहें लगेंगी ना, जो हराम जो हराम खोरी करेगा देखेगा उसके सामने आएगा, वो नौकरी नहीं करेगा, वो नौकरी नहीं करेगा, ये करेगा। तो साहब इज्जत रख ले, सच बोल, सच बोल, ला ला ला, अब सच बोल दे, मैं सच हूँ, अब सच बोल दे, अब मेरे देखिए मैंने आपसे कोई रुपया मेरे नाम लाए, कुराने मजीद लाए जी, कुराने पास लाए, लाए कुराने मजीद लाए, कोई अल्लाह ताला का, वैसे मोबाइल पे, मोबाइल पे सूरह रहमान खोल ले, मोबाइल पे सूरह रहमान, हाँ हाँ हम भी मुसलमान हैं, मोबाइल पे सूरह रहमान खोल ले, इस पे सूरह रहमान खोल ले बेटा, आप जो सूरत, जो सूरत आप कहें, सूरह यासीन कहें, सूरह रहमान कहें, जो आप कहें उस पे हाथ रख के बात, उस पे हाथ, उस पे हाथ रख के बात करते हैं, उसके मावे का अभी बात, बस ठीक है, अभी खिलाफ हूँ, आपने कहा जी कुरान पे हाथ रखे, कुरान माँ बहन लेता, सारे सारे जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके, ये भी, ये सूरह रहमान है जी, कोई भी मेरे लिए नहीं, नहीं दुश्मनी दे करे तो भली करे, ना ना सुनो मेरी बात, दुश्मनी छोड़ दे, आपने खुद कहा है ना ये, इस पे हाथ रख के कहें कि मैंने गुटके मावे की कोई मंथली, कोई हफ्ता, कोई एक रुपया गुटके मावे की नहीं, कुरान मजीद पे हाथ रख, ये गुटके मावे की मैं एक रुपया नहीं लेता, एक रुपया, एक रुपया, अस्तगफरुल्लाह यार परवरदिगार मुझे भी माफ करना, अल्लाह ताला की जात आपको भी माफ करे, मैं यही कहता हूँ, अब वो मुझे दे दें वीडियो, उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रख दिया, उसके बाद बात ही खत्म हो गई, ये वीडियो दिखाएं इनकी। अब जब इस शख्स ने अल्लाह के पाक कलाम पर हाथ रखकर कसम उठा ली तो मजबूरन हमें इसे इसकी वीडियोस दिखाना पड़ी। आप भी एक बार फिर गौर से देखिए कि पहली बार जब हमारा नुमाइंदा एक गुटके वाले की माफी तलाफी के लिए डीएसपी के पास पहुंचा, क्योंकि डीएसपी गुलाम पवर गुटके वाले से इस बात पर नाराज था कि उसने एसएचओ को तो गुटका फरोख करने की रिश्वत दे दी लेकिन उसे नहीं दी। सो इस मुलाकात में डीएसपी को रिश्वत देकर उसकी नाराजगी खत्म करवाई गई। चले अभी हम 20-25 दे के जान छुड़ा लें उसकी, ठीक है ना, आगे अगर मोकल करनी होगी तो मैं आपके पास खुद आऊंगा, ठीक है ना, आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं, वो जो उसने जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया, ठीक, बाकी आगे जो भी रिकॉर्ड बना रहे थे आज से, तो जो भी आगे की सेटिंग होगी हम करेंगे आपकी तरफ से, ठीक है ना भाई, देखें आपकी पार्टी ना उठाए नहीं और उसकी पार्टी ना उठाए, वो उसको हम सेटिंग करेंगे, खत्म है फिर, चलेगा हमारा गुटका मावे का काम भी अच्छा ही है ना। आपके पास साईं कितने थाने आते हैं वैसे? दो थाने, कौन कौन से? शराफी। दूसरी मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने खुद डीएसपी को गुटके और मावे का काम शुरू करने और इस काम में डीएसपी की सरपरस्ती के लिए रिश्वत दी, जिसमें गुटके और मावे के कारोबार का वाजह तौर पर जिक्र था, जिससे ये डीएसपी अल्लाह के पाक कलाम पर हाथ रखकर मुकर रहा था। मुझे ये बताएं, अभी हम जो है ना हफ्ता 15 दिन में शुरू करने वाले हैं मावा, मैन पूरी है, गुटका है, तो सारी चीजें हैं, सीधी सी बात है, हाँ पता नहीं कि देखिए हम शुरू करेंगे तो हम पूरे महीने के एक साथ आपको दे दें, तो आपसे भी हम तरीके से स्कीम नहीं आएगी आपके पास, यही ये बात ना, जबान ऐसी होती है ना, पूरी मार्केट जो है पीछे हजारा चौक, हफ्ते में एक दफा हमारी गाड़ी आएगी, डेली नहीं आएगी। आपके पास बड़ा अच्छा मौका था कि आप अपनी गलती को तस्लीम करते, ना आप कुरान मजीद की तौहीन करते, ठीक है ना, आप अपने यूनिफॉर्म की तौहीन करते, ना आप अपने ओहदे की तौहीन करते, आपने तीनों चीज़ों की तौहीन की और आपने बिल्कुल आपको करते हुए शर्म भी नहीं आई। अब आप अपनी वीडियोज देखेंगे पैसे लेते हुए, ठीक है, उसके बाद अगली बात करेंगे हम, ठीक है, कोई पिस्टल विस्टल है तो निकाल लें, गोली मारनी पड़ेगी आपको मुझे, आप सही हाथ मारे थोड़ा, कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, देखो गिने, अरे गिने ना सर, साइंस पंद्रह, ये पांच और ये हो गए आपके 20, ये अलाउद्दीन के गुटके मामले के हो गए, अब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, और बाकी अब मैं ऑयल वाइल का जैसे ही फाइनल होता है ना मेरा, एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में, तो मैं आता हूँ, आप अभी तो ये गुटके मावे के जो अभी पैसे दिए हैं ना, ये तो हमने दिए पिछले जो बंदा पकड़ा गया था, लेकिन अब हम आएंगे तो हम एडवांस में आपको पैसे दे देंगे, ठीक है ना,
अभी और भी वीडियोज है, पूरी तसल्ली से देखनी है अब आपको, अगली भी देखे ना, समझ तो पूरी आएगी अब आपको, अब समझाए बगैर तो हम उठेंगे नहीं यहाँ से, ऐसा समझा के जाएंगे इंशाल्लाह कि आपकी नस्लें याद करेंगे, अल्लाह ने चाहा। ये हो गए 20,000 और ये आगे हुए एक हफ्ते का। अरे भाई परेशान से करना, आपने हमारे बंदों को उठाया। नहीं नहीं मैं नहीं करूँ, मेरी टीम नहीं आई, वो ऐसे जो लिया उसको तो बस, मेरी ये टीम है। अब खाई हमारा तो ये हो गया है 20,000 से आपने, ठीक है, अब मैंने आपको 20,000 दे दिया, ठीक है, अब मैं पूरे महीने की पेमेंट इस भाई के हवाले कर दूंगा जिस दिन मैं काम शुरू करूँगा। अभी ये तकरीबन एक हफ्ता लगेगा मुझे काम शुरू, ये मेरा उसूल है काम शुरू होने से पहले पैसे दे। भाई हमारे बाद में हफ्ते के बाद देना, शर्म आ रही है तुम्हें? डीएसपी साहब इसका जवाब दे, बस मैं अभी छोड़ते हूँ इसका जवाब, किस क्या छोड़ते हो? अब आप रुकेंगे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तशरीफ रखें अपनी सीट के ऊपर, अपनी अपनी सीट के ऊपर, अपनी सीट के ऊपर तशरीफ रखें। कुछ कह रहे हैं क्या आपको हम? आपसे 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 कुछ लड़ाई कर रहे हैं? आपसे कुछ लड़ाई कर रहे हैं? आपसे कह रहे हैं बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, कह रहे पानी पिलाएं डीएसपी साहब को, कह रहे अफसरान को फोन करें, कर लेना बताएं उनको, उनको कि एक बंदा आया हुआ है ARY से, बात करवा दे, बस आ ले फिर दो, फिर 5 मिनट रुक जाए। सारी कराची में जो होते हैं, मैं बड़ा जुल्म किया है, गुटके के जो अटैक हो जाए मेरे से वो सही है, गुटके के पैसे नहीं, क्या अटैक, हार्ट अटैक हो जाए, पानी पिला रहा हूँ आपको, नहीं आपको हार्ट अटैक हो जाए आपको बड़ा मसला है, जिन गरीबों को कैंसर हो जाए गुटके मावे की वजह से, बंदे बंदे बस ये क्या पहले क्यों है कुरान पे आदरत के झूठ बोलते रहे, आपको आगे पैसे दिए, ये नहीं हुआ, किस चीज के पैसे लिए फिर आपने? पैसे नहीं लिए यार, मेरे क्या है भला, इतनी दुश्मनी चल रही, क्या दुश्मनी चल रही है मुझे बताएं, कितनी इज्जत से बात की है मैंने, वरना मैं रिश्वत खोर आदमी से खुदा की कसम, मैं हमेशा रिश्वत खोरों को कहता हूँ कि झूठियां मारनी चाहिए, मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे, क्या दुश्मनी की है आपने लोगों के साथ, अपने आवाम के साथ दुश्मनी की है, जिनके टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है, जिनके टैक्स के पैसों से आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, डीएसपी साहब दुनिया थू थू करेगी, ये वीडियोस देख रही होगी, पैसे लेते हो, सुन तो लो मेरी बात भी सुन लो, ये देखो आज आप तीसरे डीएसपी हैं जिसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा हमने इस शहर कराची के अंदर, तीसरे डीएसपी हैं आप, क्या होगा इस शहर का बताएं, किस कहां जाके दीवार पे माथे पे टक्कर मारें, किधर मातम करें जाके, जो लोग कैंसर से मर रहे हैं उनकी माएं किसका गिरेबान पकड़े जाके, इस शहर की माओं को आप बता दें किधर दफन कर दें हम, जवान बेटों की लाशें उठानी पड़ रही है उनको इस गुटखे और मावे की वजह से, किस कब्रिस्तान में दफनाए जाके, पुलिस बना देगी उस कब्रिस्तान, तीसरा डीएसपी आज पकड़ रहे हैं हम रिश्वत लेते हुए कराची शहर के अंदर, गुटका और मावा जो फरोख्त करने की इजाजत दे रहा है, मर जाए इस शहर के बच्चे, ना पढ़ने के काबिल छोड़ा है, ना मुस्तकबिल छोड़ा है, माएं बर्बाद हो गई, बाप बर्बाद हो गए, खानदानों के खानदान उजड़ गए, आप लोगों को आपकी रिश्वत चाहिए सिर्फ, नहीं नहीं नहीं, इस शहर के लोगों पर रहम करें, हाथ भर अपने ऊपर, अपने बच्चों पर रहम, या परवरदिगार माफ करना इसको भी हमको भी। अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद डीएसपी मुकम्मल तौर पर बौखला गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो लेते हुए शर्म करनी थी ना पैसे, क्या रिश्वत लेते हुए शर्म करनी थी ना यार, सारी तुमने तो झूठे कुरान मजीद भी आज रख दिया, मैंने नहीं लिया है ना, नहीं लिया है, अभी आपके अफसर भी तो ये वो तो आपके साथ खड़े होंगे ना, वीडियो देखेंगे ना, फॉर्म भी वीडियो देखेगी ना, या मुझ पे लानत भेजेगी या तुम पे लानत भेजेगी, कोई एक काम तो करेगी ना, कि कोई एक आदमी झूठ बोल रहा था कुरान मजीद पे हाथ रख के, या आप पे लानत भेजेगी या मुझ पे लानत भेजेगी, अभी देख लेते, बाहर जाना है कभी कह रहे अंदर आना है, अजीब आपने हमारा आना जाना लगाया हुआ है,
हाँ छोड़े ये आपको देते हैं बस मेरी जान छोड़ो बस। अभी हम क्या करें नहीं इतना पैसा भी नहीं है ना मेरे को अभी क्या करें मैं बचड़े वाला हूँ छोटा छोटा बच्चा है मेरा ये पुरान है ना इसको ना लेके पूरी कॉम के पास हमारी वीडियो है ना आपके ऊपर रख हाँ मैं इस है मेरी जान कुरान लेता हूँ मेरी जान बस ठीक है आपको हमने अल्लाह के वाले की आपके कुरान के वाले आओ जी आखिरकार डीएसपी ने कुरान पाक मेरे सर पर रख कर कहा कि खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दे सो हम अल्लाह के कलाम के एहतराम में वहां से चले आए कि मामला अब अल्लाह और अल्लाह के बाद इसके आला अफसरान के सपुर्द है लेकिन हमें किसी पुर असर कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि औरंगी टाउन के डीएसपी जाफर बलोच की रिश्वत खोरी की वीडियोस रिकॉर्ड होने के बाद हमने उस वक्त के डीआईजी नासिर आफताब को एतमाद में लिया कि वो उसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर कार्रवाई करें क्योंकि हम नासिर आफताब को एक काबिल एतबार अफसर समझते थे लेकिन उन्होंने अपने मातहत डीएसपी को गायब कर दिया कुछ दिन उसे मुअत्तल करके दिखावे की कार्रवाई की गई और अब जाफर बलोच वापस डीएसपी के ओहदे पर बहाल है ऐसे ही ये डीएसपी भी आज नहीं तो कल वापस अपने ओहदे पर बहाल हो ही जाएगा क्योंकि रिश्वत के पैसे ऊपर तक जाते हैं बल्कि बहुत ऊपर तक जाते हैं।